चेन्नई से 40 पदयात्रियों की एक श्री साईं बाबा पालकी श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए थे। श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडिलकर ने इन सभी साई भक्त पदयात्रियों का स्वागत किया और श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी की ओर से अभिनंदन किया। A Sri Sai Baba palanquin of 40-foot passengers from Chennai had come to Shirdi for the darshan of Sri Sai Baba. On behalf of Sri Sai Baba Sansthan, Chief Executive Officer Sri Gorakhsh Gadilkar welcomed all these Sai devotee pilgrims and congratulated them on behalf of Sri Sai Baba Sansthan Shirdi. इतना कई एक लंबा सफर है, कहीं भी सोएंगे, कहीं भी इतनी धूप में चलेंगे, बारिश में चलेंगे, कैसे करेंगे सब। बहुत बहुत सोच रही थी कि कैसे करेंगे, पर फिर गुरुस्वामी जी से मिला, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है बाबा पे छोड़ के चलो। तकलीफ़ आई थी, बॉइल्स वो सब हुआ था और बहुत दर्द हुआ था, मैं तो रो रही थी, रोज़ रोऊंगी इनके साथ, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ। पर चलते चलते पता नहीं थोड़े दिन में 10-12 दिन हुआ तो वही अच्छा लगने लगा, बहुत गुरुस्वामी के साथ और सब लोगों के साथ। एक भैया मेरे साथ साथ चलने लगे, बोलने लगे सब हो जाएगा। और जब तिरुपति चल के बालाजी के दर्शन करके जब नीचे आए तब तो ऐसा लगा कि कर देंगे, ये हो जाएगा, बाबा हमको ले जाएंगे। और रोज़ सुबह चलने के पहले पूजा करते हैं गुरुस्वामी, तब ये प्रे करती हूँ, बाबा आज हमको ले जाओ, आज का दिन हमें आप ले जाओ, ऐसे करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत से भाई भाई और बहन मिले हमें यहाँ पे, गुरुस्वामी का आशीर्वाद मिला, बाबा का आशीर्वाद मिला। और इस यात्रा के लिए आप किधर से आए?